हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना जरूरी नहीं कि हमें सेम मेथड्स करना, हमें अगर वैल्यूज डायरेक्टली भी इक्वेशन देखो समझ आ रहा है तो कर सकते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन में है तो पहले तो हम नॉर्मल चलो कर लेते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो 1 -2 1 है ना कोफिशियंट आ गया ना एक्स वाई जेड के पहले इक्वेशन के, और कांस्टेंट यानी कि एक्स का कोफिशियंट 1 है, वाई का 0 है, जेड का 3 और 11। एक्स का 0 है, वाई का -2, जेड का 1। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो हम यहाँ पे 0 बनाए ना फर्स्ट कॉलम में, दो मतलब रो इक्लोन फॉर्म बनानी है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो रो 2 में से रो 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सेम ही चीज आ जाएगी, बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे, R3 पे प्रश्न लगाएंगे, R3 प्लस R2। ठीक है, तो इससे हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ठीक है, इसके बाद ये होगी तो R3 + R2 करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। ठीक है, रो इक्लोन फॉर्म बन गई। इट मीन्स अगर यहाँ से हम इक्वेशन देखें, x + x - 2y + z = 3, 2y + 2z = 8, 3z = 9। ठीक है, तीन इक्वेशन बन गई। तो पहले x - 2y + z = 3, 2y + 2z = 8, 3z = 9। तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो z = 3 आ जाएगा थर्ड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे 2y + 3 2z यानी कि 6 = 8, तो 2y = 2, y की वैल्यू आ गई 1। तो ये चीज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, x - 2y यानी x - 2 + 3 = 3, 3 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, एक्स जेड की वैल्यू 3 है, एक्स की 2 है, वाई की 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या डायरेक्टली -2y + z की वैल्यू 1 हम यहाँ पे नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + 1 = 3, एक्स की वैल्यू आ गई 2। सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 + 3z = 11, 3z = 9, z = क्या आ गया, 3 आ गया। सिंपल सी बात है, फिर y की वैल्यू चाहिए मुझे, मैं थर्ड इक्वेशन से पुट कर सकता हूँ कि -2y + 3 = 11, सॉरी 1, और -2y = -2, y = 1। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि जो मेथड लिखा हुआ है उसी से करना है, प्रैक्टिस के लिए करो बट पेपर में ध्यान रखना जो शॉर्टेस्ट देखिए उससे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन, दिस सेट हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं, तो पहले हम रो इक्लॉन फॉर्म से कर लेते हैं रैंक वगैरह निकाल के, 1 2 0 5 4 8 0 12 3 6 3 50। ठीक है, तो अगर देखा जाए हमें रो इक्लोन फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब वैसे तो आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो कि ऑलरेडी 2 0 है तो उसको ऊपर लिख लो ऐसे करके। चलो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं कोशिश कि पहले तो मैं क्या करता हूँ, R2 पे लगाया मैंने R2 - 4R1, और R3 पे लगाया हमने R3 - 3R1। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, पहले तो 1 2 0, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 था ही, 5 का 20, और यहाँ पे -8। ठीक है, यहाँ पे बना 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। ठीक है, ये बन जाएगा 6। ठीक है, अब इससे क्या पता चला, देखो अगर देखा जाए ए का रैंक देखो कितना आ गया, 2 आ गया, एक रो 0 बन रही है, रैंक ऑफ ए जो है वो क्या है, 2 है। ठीक है, और अगर देखा जाए ए बी का रैंक, यहाँ पे 3 रो नॉन जीरो है। ठीक है, तो
जैसे मान लो ये वाली रो कभी भी जीरो नहीं बन सकती, ये भी नहीं बन सकती, ये भी नहीं बन सकती, कि ऐसा हो कि एक रो जीरो बन जाए कोई भी, ठीक है। इट मीन्स रैंक ऑफ ए बी क्या है, 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। अब ये चीज हम बिना इसके करे भी देख सकते हैं कि अगर एक्स प्लस 2 वाई किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और 4x+8y इज इक्वल टू 12 के इक्वल है। अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास बनती है 4x+8y इज इक्वल टू 20। तो ये दोनों का ही कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि 4x+8y ये इक्वेशन कह रही है कि 4x+8y करके 12 आना चाहिए, ये इक्वेशन कह रही है कि 4x+8y करके 20 आना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है एक्स वाई कि जो इस इक्वेशन में जाके 12 दे दे, इस इक्वेशन में जाके 20 दे दे, तो एक कॉमन पॉइंट तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका नो सोल्यूशन आएगा। फिर तीसरी इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं है, जब दो लाइन ही आपस में पैरेलल है, तीसरी जब कट कर रही है, कैसे भी कट कर सकती है, तो इट मीन्स ये तीनों आपस में कहीं भी एक पॉइंट पे कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सब करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए, ठीक है, चाहे कॉलम हो चाहे रैंक रो हो, ठीक है, तो उसी को रैंक बोलते हैं, बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज द एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इट विल बी नॉन सिंगुलर इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, सही बात है ये भी, ठीक है, दोनों सही है। अगर रैंक एन के ही इक्वल आ गया, इट मीन्स जो भी एन के एन वेक्टर हैं, रोज हैं या कॉलम है, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा नॉन जीरो आएगा, यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो। अब ये भी सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवाल आप गलत नहीं कर सकते पेपर में। जैसे मान लो एक्स प्लस वाई 2 है, 2x+2y, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x+2y इज इक्वल टू 4। तो पहली इक्वेशन कह रही है 2x+2y करके 4 आना चाहिए, दूसरी कह रही है कि 5 आना चाहिए, तो इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, कोई भी ऐसे कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन यूनिक मल्टीपल सोल्यूशन इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, तो इसको भी हम वही कोशिश कर लेते हैं। पहले हम क्या करें, अब देखो आप एलिमिनेट ही करना चाहे, जेड को भी एलिमिनेट करना इजी लग रहा है, ठीक है, तो ट्राई कर लेते हैं। 3x, अच्छा 3 2 1, 1 -1 1, -2 0 2, 4 2 5। देखो अब हम इसमें ना क्या करते हैं, यूनिक की रो इक्लॉन फॉर्म बनाए, बेसिकली हमें तो पहले एक्स को कर रहे थे फिर वाई को कर रहे थे एलिमिनेट, हम यहाँ पे जेड को कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान लग रहा है इसमें करना, ठीक है। तो रो 2 से मैं रो 1 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, रो 3 से मैं 2 रो 1 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 2 1 4, माइनस करूंगा ना तो -2 बचेगा, यहाँ -3 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे -2 बचा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना ना, 3 दूनी 6, तो -8 बचा, -4 बचा, और यहाँ पे 0 बचा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और -3 बचा, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे एक एलिमिनेट करना है, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीपल नहीं बन रहा, तो इसके बाद मैं लगाता हूँ R3 पे लगाया मैंने, R3 -4 R2, ठीक है, 3 2 1 4 -2 -3 0 -2, तो नेगेटिव नेगेटिव आ गया सर, असली नेगेटिव आप बाहर भी निकाल सकते हो पूरी रो से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0 बन गया, और 4 3 12, और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0, 4 2 8, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसका देख लो, अगर हम इन दोनों को, इसको यहाँ पर होती ये वाली रो कॉलम, ये वाला कॉलम यहाँ पे होता, तो इसका रैंक 3 ही आ गया, ठीक है, इसका रैंक भी 3 है और इसका रैंक भी 3 है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो इसको चाहे सॉल्व कर लो, थर्ड इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, 8y = 5, y = 5/8। सेकेंड इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं, -2x - 3y = -2, यानी कि बेसिकली 2x+3y = 2, तो 2x+15/8 = 2, तो 2x = 2, इधर जाके माइनस हो गया,
अगर तो 1/8, तो एक्स की वैल्यू 1/16, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3x यानी कि 3/16 प्लस 2y यानी कि 10/8 प्लस z इज इक्वल टू 4, ये सम करके आ गया 23/16 प्लस z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 4 माइनस 23/16, तो 64 माइनस 23 41/16, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, यूनिक वैल्यू आ गई ना, एक ही सोल्यूशन है इसका, तो वैसे ये निकालना नहीं है तो हमें यूनिक ही बताना था, ठीक है। और सोल्यूशन निकालने का तरीका ये भी है एक और, कि जैसे मान लो ये एक्स जेड की एक इक्वेशन है, इन दोनों को आप सॉल्व करके वाई को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो एक्स जेड में दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक्स जेड को सॉल्व कर लो, फिर किसी भी इक्वेशन में डाल के वाई को निकाल लेना। अगर ऐसे यूनिक सोल्यूशन आता होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर नो सोल्यूशन आता होगा तो कुछ ना कुछ और बन रहा होगा, ठीक है, कहीं 2 = 0 बन जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा वो करना सॉल्व, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखाओ प्लीज, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।